बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने YouTube फैमिली के साथ शेयर करूंगी एक और मज़े की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि माँ मटर बहुत ही मज़े का बनता है और इसको हम बनाएंगे हांडी में, ढाबा स्टाइल, जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ का कीमा लिया है मैंने 1 kg, 1/2 kg मेरे पास है मटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास बारीक बारीक चॉप किया हुआ, 1 कप मेरे पास है दही। हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको दही में बनाएंगे। 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon नमक, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर और 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च। एक हरी मिर्च है इस लार्ज साइज की, उसको मैंने बारीक बारीक कट किया है। 1 tablespoon अदरक लहसुन है मेरे पास चॉप किया हुआ, एक दालचीनी का पीस है, एक बड़ी इलायची है, 2 लौंग हैं, 3-4 काली मिर्चें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हांडी को चूल्हे पे मैंने रख दिया है और फ्लेम है हमारा मीडियम। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी। ये मशीन का कीमा है, आप जो है वो हाथ वाला कीमा भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मजे का बनता है। सारा कीमा हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले इसमें ऐड करूंगी, हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो है मेरे पास बारीक बारीक चॉप किया वो भी इसमें डाल दूंगी, प्याज भी इसमें डाल दूंगी। मीडियम ही फ्लेम है अभी, और सारे स्पाइसेस इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1/2 liter के करीब पानी, ठीक है, 1/2 liter पानी हो गया। 1 kg कीमे में आप 1/2 liter के करीब पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी ताकि हमारे स्पाइसेस और प्याज वगैरह जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और इसको मैं कवर करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने ज़्यादा लो नहीं करनी, दरमियानी आंच रखनी है, मीडियम से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए और इसकी फिर हम भुनाई कर सकें, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कीमे को उबाल तकरीबन आ चुका है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, और कुकिंग ऑयल में इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 cup के करीब, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कीमे में ऑयल ज्यादा यूज होता है। इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देंगे, जब तक कि पानी भी ड्राई नहीं हो जाता, कीमा हमारा कुक नहीं हो जाता, ठीक है। 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। मटर डाल के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मैं मटर की भुनाई करूंगी ताकि मटर का कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है। मटर और कीमे की भुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। दही ऐड करके इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से, और फ्लेम लो करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि मटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम फाइनल इसकी भुनाई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए दही का पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन, और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी 3 से 4 मिनट, जब तक के कीमा सॉफ्ट नहीं हो जाता और ऑयल नहीं स्प्रेड हो जाता, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे इसकी हम भुनाई करते रहेंगे अब 3 से 4 मिनट। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक फीका लगे तो आप इसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी परफेक्ट रेशो है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है
हांडी में पकाने का अपना टेस्ट अपना जायका होता है। इसकी मैं भुनाई करती रहूँगी और हमने चम्मच चलाते जाना है ताकि कीमा हमारा नीचे नहीं लगे, ठीक है। आपको पता है हांडी बहुत गर्म होती है, ठीक हो गया। ये देखिए जी ऑयल स्प्रेड हो चुका है। अब मेरे पास हैं 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने इस तरीके से कट लगाया है, ये देखिए वो इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी और इसको हिला देंगे। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और इसको जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देंगे, ठीक है, ताकि हरी मिर्चों का और जो हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया उसका जायका इसमें चला जाए, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए फ्लेम ऑफ कर दिया, हांडी गर्म है इस वजह से अभी तक इसमें बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको मैं निकाल लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए जी, तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबूदार जायकेदार बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा, बहुत ही मज़े का बनता है। गर्मा गर्म बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आपसे ये रेसिपी कैसी बनी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।